राज्यसभा के चुनाव 19 जून को होने हैं और इसको लेकर प्रदेश में लगातार सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी बीच राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार राजेंद्र गहलोत जोधपुर से जयपुर के लिए रवाना हुए। गहलोत ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो विधायकों की बाड़ाबंदी में लगी है। उन्होंने भाजपा की जीत का दावा किया। इस मौके पर पूर्व महापौर घनश्याम ओझा और युवा नेता प्रहलाद बजाज राजेंद्र गहलोत को शुभकामनाएं देने उनके घर पहुंचे। गहलोत की पत्नी ने शगुन देकर उनकी विदाई दी। भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। बाड़ेबंदी करना और जो राजस्थान की जनता को भ्रमित करना, उनको अपने विधायकों के प्रति कांग्रेस को विश्वास नहीं है। आपसी कलह के अंदर सारा प्रशासन तस नस हुआ है। प्रशासन की ओर तो ध्यान है नहीं। 15 महीने के अंदर पानी, बिजली और अनेकों समस्याएं राजस्थान की, उसका समाधान कर नहीं पाए और अपने इसको लोगों को भ्रमित करने के लिए झूठे आरोपों लगाकर वो आम जनता को भ्रमित करना चाहता है। तो जयपुर के लिए रवाना हुए हैं राजेंद्र गहलोत और यहां पर वो अपनी जीत के प्रति आश्वस्त नजर भी आ रहे हैं और उन्होंने यहां पर कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बाड़ाबंदी की जा रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं आशंकाएं जो हैं वो पैदा हो रही हैं और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे